वेलकम टू टागे विदेश है दोस्तों। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो बना के जानकारी दी थी। ये देखिए 14 अगस्त 2024, और अभी ये वीडियो डाले अभी पूरा एक घंटा भी नहीं हो पाया है, और इस वीडियो में दी हुई जानकारी सच साबित हो गई है। दो भर्तियों के नोटिस के बारे में जानकारी दी थी, तो एक नोटिस आ चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था ITI इंस्ट्रक्टर की जो DB शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं आप लोग, एक बार फिर से जानकारी सही साबित हुई है। यहाँ पे वही जानकारी दी जाती है जो एकदम सही और सटीक जानकारी हो, तो एक बार फिर से ये साबित हो गया इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है 100% सही और सटीक जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से 14 अगस्त 2024 का आवश्यक सूचना आयोग के विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2024 अनुदेशक मुख्य परीक्षा जो है आपकी, उसमें ये जो अभ्यर्थी हैं 3318 इनका अर्था अभिलेख परीक्षण जो है 21/8 से आयोजित किया जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है, और ये शेड्यूल आप देख सकते हैं 21 तारीख से एक पाली में 60 लोग, एक दिन में टोटल 120 लोगों का DB करवाई जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। तो ये आपकी 28 तारीख तक DB चलेगी, और 28 को 78 लोगों की DB है, तो टोटल ये 3318 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होने वाला है। तो एक बार फिर से सही निकली है पूरी जानकारी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं, जो DB लेटर है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए बिल्कुल, और अपने शेड्यूल से अपना समय से पहुंच जाना, ठीक है। अगर कोई रह जाता है, आपकी DB जो है वो 25/9 तक चलेगी, तो अगर कोई रह जाता है बीच में, कोई नहीं जा पाता है, तो 25 की सेकेंड पाली में उपस्थित हो सकता है अपने डॉक्यूमेंट के साथ, उसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी मैंने पूरी जानकारी शॉर्ट में आप लोगों को बता दी, और ये हो गई पूरी जानकारी। और UPSC की ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।